कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये लाइन है मुनीमा मजारी की, जिनकी लाइफ के बारे में जानकर ही सीधा मेरे दिमाग में आया कि इसको कुल मित्र पर पब्लिश करो। तो अभी आपको मैं इनकी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ। मुनीमा मजारी जब 18 ईयर्स की थी तब इनकी शादी हो गई। मुनीमा मजारी रूढ़ीवादी फैमिली से बिलोंग करती है, जो पहले की सोच के होते हैं, जहां बेटी ना नहीं दे सकती। इनके फादर चाहते थे कि वो शादी करें, मुनीमा मजारी ने कहा, जिसमें आपकी खुशी हो। और फिर मुनीमा मजारी ने शादी कर ली, जो कि हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के 2 ही साल बाद, यानी आज से 9 साल पहले, मुनीमा मजारी का कार एक्सीडेंट हो गया। मुनीमा मजारी के हस्बैंड ड्राइविंग के वक्त ही सो गए थे, कार खाई में गिरी। मुनीबा के हस्बैंड ने बाहर जम करके अपने आप को मैनेज करके सेव कर दिया था, और मुनीबा कार में ही रही। उनको काफ़ी चोट लगती गई, उनके सीधे हाथ की कोहनी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, कलाई फ्रैक्चर हो गई थी, कंधे और गर्दन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, पूरा पंजा फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन उन्हीं चोटों की वजह से मुनीमा मजारी की पूरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मुनीमा मजारी को स्पाइन पर भी चोट लगी थी, यानी रीढ़ की हड्डी पर। कुछ लोग बचाने के लिए आए थे, मुनीबा को कार से बाहर निकाला, उन्होंने CPR दिया। मुनीमा मजारी के लिए 2.5 महीने हॉस्पिटल में बहुत भयानक थे, मुनीबा ने आस ही छोड़ दी थी। एक दिन डॉक्टर ने मुनीमा मजारी को कहा, मैंने सुना आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन हाउसवाइफ होने की वजह से आपने ये छोड़ दिया, तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, आप अब पेंट नहीं कर सकोगे। दूसरे दिन डॉक्टर मुनीमा मजारी के पास आए और बोला, आपकी रीढ़ की हड्डी की चोट काफ़ी ज़्यादा है, अब आप फिर से चल फिर नहीं सकते। मुनीबा ने लंबी सांस ली और कहा, इट इज़ ऑल राइट। अगले ही दिन डॉक्टर मुनीमा के पास आए और बोला, आपके रीढ़ की हड्डी में लगने के कारण, जिसे ठीक किया गया है उसके कारण, आप अब बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। उस दिन मुनीबा मानो तबाह हो चुकी थी। मुनीबा अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगी कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मुनीबा जिस कारण से जी रही थी वो ये था कि एक बार मुनीबा ने अपने भाई से पूछा, मुझे पता है मेरा एक हाथ विकलांग है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में यह सफ़ेद दीवार देखकर और सफ़ेद पहनकर थक चुकी हूँ, मुझे कुछ कलर्स दो और कैनवास दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो जो पहली पेंटिंग मुनीमा मजारी ने बनाई थी वो उन्होंने अपने डेथ बेड पर बनाई थी, जहाँ उन्होंने पहली बार पेंटिंग करी थी। ये कितनी अजीब थेरेपी थी कि मुनीमा मजारी बिना एक सिंगल वर्ड भी बोले मुनीबा अपने दिल से पेंट कर सकती थी, मुनीबा अपनी स्टोरी को शेयर कर सकती थी। लोग जो भी मुनीबा के पास आते और कहते, ये पेंटिंग तो बहुत ही लवली है, बहुत सारे कलर है, इसके अंदर के दुख को कोई नहीं देख पाया, जो सिर्फ मुनीमा मजारी को पता था। और उस दिन मुनीबा ने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए जिंदगी जीने जा रही हूँ, मैं कोई किसी के लिए परफेक्ट इंसान बनने नहीं जा रही, मैं बस इस मोमेंट को पाने जा रही हूँ, और इसे मैं अपने लिए एकदम परफेक्ट बनाऊंगी, मैं अपने जितने भी डर हैं उनसे लड़ने जा रही हूँ। तो मुनीमा मजारी ने अपने वो सारे डर एक एक करके लिखे, और मुनीबा ने डिसाइड किया कि वो एक एक करके वो सारे डर को काबू में करेगी। क्या आपको पता है मुनीमा मजारी का सबसे बड़ा डर क्या था? वो था डिवोर्स। लेकिन जब मुनीबा ने ये डिसाइड किया तब ये कुछ भी नहीं था, बस एक डर था। मुनीबा ने अपने आप को मुक्त कर दिया और उसे फ्री किया, और मुनीमा मजारी ने अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रांग बना लिया था कि जब मुनीमा मजारी को पता चला वो शादी करने जा रहा है, मुनीबा ने उसे टेक्स्ट भेजा कि मैं बहुत खुश हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और वो जानता है कि मुनीबा आज भी उसके लिए दुआ करती है। दूसरा सबसे बड़ा डर था वो ये था कि मुनीमा मजारी अब फिर से माँ नहीं बन सकती, जो कि मुनीमा मजारी के लिए थोड़ा भयानक डर था। लेकिन फिर मुनीमा मजारी ने एहसास किया कि ऐसे बहुत बच्चे हैं इस दुनिया में
जो ये चाहते हैं कि कोई उनको गोद ले ले। मुनीबा ने सोचा, तो यहाँ रोने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बस जाओ और गोद लो। फिर मुनीबा ने वही किया। मुनीबा मजारी ने अपना नाम तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस अनाथालय में दिए और पेशेंस के साथ में वेट किया। 2 साल बाद पाकिस्तान की एक छोटी सी सिटी से कॉल आया। कॉल आया और मुनीबा मजारी को कहा गया, क्या आप मुनीबा मजारी हो? यहाँ एक बच्चा है, बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? मुनीबा मजारी बहुत दर्द सहन करके इंतजार कर रही थी। मुनीबा ने कहा, यस यस, मैं उस बच्चे को गोद लेने जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ उसे घर ले आने के लिए। उस वक्त नील 2 साल का था जब गोद लिया गया था, और मुनीबा मजारी ने जब अपने बारे में सब बताया तब नील यानी वो बच्चा 6 साल का हो चुका था। फिर मुनीबा मजारी ने लोगों के सामने आने का डिसीजन लिया और पेंट करना शुरू किया। मुनीबा मजारी ने काफ़ी मॉडलिंग कैंपियंस किए, पाकिस्तान की नेशनल टीवी में एज ए एंकर पर्सन ज्वाइन किया। मुनीबा मजारी UN वुमेन पाकिस्तान के लिए नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी, और आज मुनीबा मजारी वुमेन और चिल्ड्रन के हक के लिए स्पीच देती है। मुनीबा मजारी 2015 में BBC में टॉप 100 वुमेन में फीचर हुई। 2016 में फॉर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में आई। आज मुनीबा मजारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मॉडल है, एक्टिविटिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सिंगर एंड टेलीविजन होस्ट है। मुनीबा मजारी कहती है, जिन्हें आप जरा ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हारना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मुनीबा मजारी कहती है फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल होते हो आप ऊपर उठते हो, फिर आप फेल होते हो फिर आप ऊपर उठते हो, और इस तरह आप चलते जाते हो। हर एक सांस जो आप ले रहे हो उसे मजे से लो, अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो, उसे जियो, अपनी मौत से पहले मत मरो। असली खुशी जो है वो ग्रेटिट्यूड में छुपी है, यानी शुक्रगुजार करना। तो ग्रेटफुल रहो, जिंदा रहकर हर पल को जियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपके सिर्फ एक शेयर करने की वजह से कितने लोगों को हिम्मत मिलेगी ये आप नहीं जानते। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप के थ्रू सारे कॉन्टैक्ट्स को।